स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। इन सिक्स क्लास यू ऑल्सो लर्न द फाइबर टू फैब्रिक दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स इन द सेवेंथ क्लास इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट सिल्क एंड वुल, अबाउट सिल्क एंड वुल। नाउ स्टूडेंट्स इन सिक्स क्लास यू लर्न अबाउट फाइबर्स, natural fibers and man-made fibers. Natural fibers, that fibers which we are obtained from plants and animals, these are called natural fibers. In sixth class you learn in detail how we obtain cotton fibers from cotton plant, jute fibers, coir, silk, cotton, hemp and flax. In today's in seventh class you will learn about silk and wool. And another fibers is man-made fiber, these are called artificial fiber and synthetic fiber. So these fiber are that are synthesized in laboratory, जो laboratory में बनाए जाते हैं, हम लोग बनाते हैं, तो वो man made fibers है। For example, nylon, acrylic, terrylene, terry cotton, polyester is the example of the synthetic fiber. So classification of textile fibers, natural fibers. Natural fibers you read about cotton, jute, hemp, flax, bamboo in your sixth class. In seventh class you learn wool and silk, okay, and polyester, nylon, acrylic, these are the synthetic fiber. Students, animal fibers that are wool and silk. Wool we obtain from silk, goat, yak, camel, lamb and alpaca etc. Silk we obtain from silkworm. So what is wool? Wool is the dense the warm coat of silk. जो silk के चारों तरफ जो hair का coat होता है उसको क्या बोलते हैं? Silk. These called fleece. Fleece, the hair of silk has many unique properties. They have suitable textile production, जो textile production के लिए suitable होती है. Something human released approximately, जो हमें जो wool का जो हमने sixth में history पढ़ी थी clothing की, उसके अंदर हमने देखा था 8000 BC ago wools का domestication हो चुका था. कहाँ पे? चाइना के अंदर. और उसकी variety textile में हमने वो करके और knitted करके उसके हमने बहुत सारे textile material प्रोडक्ट किए थे. नाउ वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लिस, मीन जो शिप के हेयर हैं इससे हम लोग वूल को ऑप्टेन करते हैं. फ्लिस ऑफ शिप एंड गॉट कैमल, याक, लामा एंड एल्पका एंड द अदर एनिमल्स. दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट इन बॉडी, इनके बॉडी पे क्या है? एक थिक हेयर का बॉडी कोट बना हुआ है, जिसे क्या कर रहा है, जो हेयर्स है वो एयर को ट्रैप कर लेती है. हेयर एक गुड, जो क्या है, पुअर कंडक्टर है. कंडक्टर मतलब जो जो बाहर का टेम्परेचर है कोल्ड को, उसको ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है टेम्परेचर को, हीट को. सो क्या है, जो शीप है कोल्ड, जो सर्दी के टाइम में भी अपने बॉडी को, अपने अंदर के इंटरनल पार्ट को कूल हॉट उसका टेम्परेचर मैनेज कर सकता है. याक वूल इज कॉमनली इन, जो याक से वूल ऑप्टेन होती है वो कॉमनली तिब्बत एंड लद्दाख में होती है. द वूल ऑप्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट, अंगोरा गॉट जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, जिससे सॉफ्ट वूल बनाई जाती है. जैसे पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा, वो इसी से बनती है, अंगोरा गॉट से. कैमल हेयर ये भी मोस्टली यूज किए जाते हैं फॉर टेक्सटाइल के लिए. लैम्ब एंड अल्पाका ऑल्सो इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका का कोल्ड पार्ट है पे लैम्ब एंड अल्पाका होती है, जो भी क्या करती है उनसे भी हम वूल को ऑप्टेन करते हैं. नाउ फ्रॉम फाइबर फ्रॉम वूल, फॉर ऑप्टेन वूल हम फूल को ऑप्टेन करने के लिए सीप से उसकी रेयरिंग करते हैं. रेयर एंड देयर हेयर इज कट, हम उनके हेयर को कट करते हैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग एंड हम वूल को ऑप्टेन करते हैं. उसके स्टेप्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, शिप आर रेयरिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री. हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में शिप की रेयरिंग की जाती है. तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड
गुजरात, इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, शिप की रेडिंग करते हैं। शिप फीड, शिप हर्बीवोरस है जो क्या खा रही है, ग्रास एंड लीव्स को ईट करती है ना, मिनरल्स ही, और जो फीड मिक्सचर है पर्ल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, इन सब का भी, मिनरल्स का भी विंटर में शिप ईट करती है। इंडोर जो जो शिप को पालते हैं वो लोग इन लोगों को फीड करवाते हैं, है ना। सो ये क्या है, ड्राई फोडर फूड ज़्यादा लेती है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक हेयर, कुछ ब्रीड्स की जो शिप की ब्रीड्स होती है, मतलब जो जातियाँ होती है उसकी जो हेयर क्या होते हैं, उनकी थिक हेयर की लेयर होती है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, जो इनकी यील्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और लार्ज क्वांटिटी में भी होती है। सो देर आर सेलेक्टिव ब्रीड टू गेट शेप ऑफ गुड ब्रीड, गुड ब्रीड के द, यहाँ मैंने आपको इंडिया की बेस्ट ब्रीड के बारे में बताया है। लोही, लोही क्या है, गुड क्वालिटी की बुल देती है, राजस्थान और पंजाब में मोस्टली होती है, यहाँ लोही, ये वाली लोही है। एंड यहाँ मैंने इमेजेस पे भी बताया है, लोही, रामपुर बुशर जो है वो क्या है, ब्राउन फ्रिश, जिसके ऊपर ब्राउन हेयर्स होते हैं, वो यूपी एंड हिमाचल में मिलती है। नली, नली क्या है, कारपेट वूल, जो कारपेट वूल जो बनाई जाती है जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये मिलती है नली, ये है नली है। देन भाखरवाल, द वूल सॉल के लिए बनाई जाती है, जो पश्मीना वगैरह होती है जो भाखरवाल से बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी, जिसे भी हम बहुत सारे यू टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं गुजरात में। एंड पटनवाड़ जो भी है वो भी कहाँ है, हौजरी की जो वूल आती है, हौजरी टाइप की, उनके ऊपर की जाती है, गुजरात में होती है। नाउ स्टेप इन प्रोसेस वूल टू यान, यह जो वूल से हम शिप के जो हेयर से यान बना रहे हैं उसके प्रोसेस को देखते हैं, इसको हम 5 स्टेप में देखेंगे। शेयरिंग क्या है, इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, द फिश ऑफ शीप, जो फिश ऑफ शीप, शीप की हेयर्स हैं इनको हम कट करते हैं, कैसे, नाउअडे इट्स अ डन बाय मशीन विच आर यूज्ड बाय बार्बर, जो बार्बर मशीन यूज़ करता है, आजकल जीरो नंबर की मशीन आती है, पहले ब्लेडर यूज़ करते थे, रेजर यूज़ करते थे, अभी ये जीरो नंबर की मशीन टाइप में शेविंग मशीन आ रही है जिसका यूज़ करते हैं। शेव ऑफ द हेयर हैपन्स इज नॉट हॉट वेदर, ये कब किया जाता है, हॉट वेदर में किया जाता है, क्योंकि जो विंटर्स में होता है, विंटर्स में इनको इन हेयर के कोट की ज़रूरत रहती है, समर्स में नहीं रहती है। सो इसको जो समर हॉट वेदर के टाइम इसके इस लेयर को हटा दिया जाता है, प्रोटेक्शन कोट को हटा दिया जाता है। सेक्ट क्या है, स्कोरिंग, स्कोरिंग मीन क्या है, आफ्टर रिमूविंग द फ्लिश ऑफ फ्रॉम द बॉडी, जो शीप की बॉडी से हम हेयर को रिमूव करते हैं उनको बाद में क्या, ये किससे होते हैं, ग्रीस एंड द डस्ट से भरे हुए होते हैं, ग्रीस एंड फ्लिश जो है ग्रीस एंड डर्ट से भरे हुए होते हैं, इनको वॉश किया जाता है गर्म पानी के अंदर। थर्ड स्टेप है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग फ्लिश ऑफ सेपरेट, हम सॉर्टिंग करते हैं फ्लिश के जो हेयर्स होते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी के हेयर हैं जिनसे हम क्लॉथ्स बनाएंगे अच्छी क्वालिटी के, जो रफ है उनसे हम कारपेट वगैरह बनाने में यूज़ कर देते हैं, और कुछ जो टेक्सटाइल में फर निकलते हैं आफ्टर शॉर्टिंग, कुछ जो हेयर बच जाते हैं वो फर कहलाते हैं, उनको फर कहते हैं, उन हेयर का भी हम यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्सटाइल में। नो कार्डिंग क्या है, इस मशीन के अंदर जो उनको अच्छे से क्लीन करके इंटरमिक्स, उनको मिक्स किया जाता है और कंटिन्यू उनको सिल्वर सूटेबल जो प्रोसेस से मिक्स करने के बाद इनको डाइंग के लिए भेज दिया जाता है। डाइंग किया है उनको वाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर में या कलरफुल कलर में, जो कलर हमें रिक्वायर्ड है उसमें कलर किया जाता है। देन स्पिनिंग की जाती है, आफ्टर डाइंग वूल इज स्पिन, मतलब उसको कॉम्बिंग मेथड से स्पिन करके देन उसके हम रोल्स बना लेते हैं, यान में कन्वर्ट कर देते हैं, यान से वीविंग एंड नीटिंग से हम क्या बना देते हैं, वूल फैब्रिक बना देते हैं, है ना। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, द शेप आर शेप्ड, इसको शेव किया जा रहा है, देन इसको वॉश किया जा रहा है, वॉश करने के बाद इसको कर्लिंग, मतलब इससे जो वॉश सेपरेट कर लिया मटेरियल को सेपरेट करके स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है, इनकी सीट को लूज़ करके देन इनको यान को स्टिचिंग के लिए
यान से विविंग एंड नीटिंग से फैब्रिक बनाने के लिए पेस्ट दिया जाता है। नाउ वूल फ्रॉम अदर एनिमल की हम बात कर रहे हैं, जैसे वूल वी गेट फ्रॉम याक, कैमल, अल्पका, शीप एंड गॉट। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी लर्न अबाउट एंगोरा गॉट। जो एंगोरा गॉट है ये एंकारा तुर्की, जम्मू कश्मीर एंड एंकारा नाम की जगह पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंगोरा गॉट बोला जाता है। कश्मीर में पाई जाती है ये गॉट। मोस्टर जो मतलब वूल देती है वो बहुत लस्टरस होती है, उसके अंदर एक अच्छी सी साइन होती है, वाइट कोट होता है इस ब्रीड के अंदर, प्रॉपर वाइट कलर का कोट होता है इस तरह का, जिससे हम मोहर कहते हैं इसको, मोहर। इसके जो हेयर होते हैं इसको हम मोहर बोलते हैं, मोहर से हम पश्मीना बनाते हैं, पश्मीना, कारपेट और विंटर हैट है, सूट्स वगैरह बनते हैं। नाउ कश्मीरी गॉट क्या है? कश्मीरी गॉट कश्मीर और चाइना में मिलती है, इसे कश्मीर गॉट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, इसके ऊपर डबल लेयर होती है, जो फ्लीश की डबल लेयर होती है, जो फाइन सॉफ्ट एंड मतलब जो फाइन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसको गार्ड गॉट भी बोला जाता है, गार्ड हेयर भी बोला जाता है। ये लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लॉन्ग होते हैं, फाइन होते हैं। इनकी जो मतलब ब्रश बनाने में मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है ना, जैसे प्योर जो कश्मीर गॉट होती है, जिसके इसको स्पन करके डाइड करके यान वीविंग एंड नीटिंग से हम लोग हैट, स्वेटर, ग्लव्स, कोट, जैकेट आए ये सब चीज़ें बनाते हैं। और मोस्टली जो सबसे अच्छी क्वालिटी की पश्मीना बनती है वो कश्मीरी गॉट से बनती है। ना कैमल को आप सब जानते हैं, ये क्या है, एक कंट्री का सप्लायर है, सफिशियंट हेयर सप्लाई करता जाता है यहाँ से, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से किया जाता है। द आउटर जो इनका जो ये आउटर जो हेयर है, गार्ड सेल हेयर है, इनको यहाँ से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको गैदर इकट्ठा किया जाता है। जब ये झड़ने लग जाते हैं, इनमें ऐसे होता है कि बाल ऑटोमेटिकली फॉल गिरने लग जाते हैं, हेयर मॉल्स होने लग जाते हैं, तब किया जाता है, जैसे टेंट, कारपेट और क्लॉक्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। हाई थर्मोस्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसलिए इसको हेयर प्रोटेक्ट हीट प्रोटेक्शन के क्लॉथ में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्पका क्या है, ये साउथ अफ्रीका में मिलती है, सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल इसके क्लॉथ्स होते हैं, जो उसका वूल होता है बहुत लग्जरियस वूल होता है, लग्जरी वूल होता है। एंड द सिल्क नेचुरल फाइबर है ये, सिल्की बहुत ही सिल्की है फाइबर जो इससे मिलता है। अल्पाका फाइबर इज़ यूज पर्पज इंक्लूडिंग मेकिंग क्लॉथ्स सच एज हैट, ग्लव्स, मोस्टली सबका यूज़ हैट, ग्लव्स, क्लॉथ्स बनाने में होता है। ये है लैम, ये भी लैम भी कहाँ मिल रही है, साउथ अफ्रीका में, ये फ्री और लग्जरियस सॉफ्ट क्लॉथ है। लैम और अल्पाका एक जैसे ही होते हैं, मोस्ट ऑफ इनका यूज़ भी एक जैसा होता है, ये हमें हीट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें इनके अंदर होती है। रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन, अलग अलग कलर के लैम्स हमें मिल जाते हैं, तो अलग अलग कलर के वूल, नेचुरल वूल मिल जाते हैं हमें। सो हमने ये सब देखा, बट फैक्ट्रीज में जब ये वूल इंडस्ट्रीज में जाती है तो कुछ इनके इन्फेक्शन्स भी होते हैं। जो ये शीप है इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो क्या करता है हमें बैक्टीरियाज इन्फेक्ट कर जाते हैं, तो ये इसे हमें शॉर्ट टर्म डिजीज़ होता है, मीन अस्थमा जैसी बीमारी होती है। ये डिजीज़ कैसे होता है, जब हम शीप के हेयर को रिमूव कर रहे होते हैं और इसको मशीन्स में वो वेव कर रहे होते हैं, तब इनकी बैक्टीरियाज होते हैं जो बैसिलस एंथ्रेक्स होते हैं, जो हमारी ब्रीथिंग के टाइम हम जब सांस लेते हैं तो उससे नोज में चले जाते हैं और उससे हमें शॉर्टर डिजीज हो जाता है, जिससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।